लखनऊ जिला पंचायत के अंतर्गत हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार व अनियमितता की जांच के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रति अपनी नजदीकियां बढ़ाने के उद्देश्य से विजय बहादुर यादव की तरफ से देश के गृह मंत्री व बीजेपी नेताओं की तरफ से होर्डिंग लगा दिए गए, जिसके संकेत और मायने सब कोई समझ। देखिए, जांच की बात अगर चल रही है तो ये गलत है, और होल्डिंग की बात अगर है तो नए साल के उपलक्ष्य में सभी लोग धन्यवाद देते हैं, हम भी दे रहे हैं, और गृह मंत्री जी हमारे हैं, हम गृह मंत्री जी की होल्डिंग लगाए। ये जिले का मामला है और जिले में लखनऊ जिला इसको तय करता है कौन है कौन नहीं है इसमें, और जो भी जांच होनी उनके खिलाफ आरोप लगा होगा, आरोप किसी के भी खिलाफ लगेगा उसकी जांच होगी, कानून अपना काम करेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस समय कुछ यह होर्डिंग्स लगाई गई हैं जो पूरी यूपी की राजनीति में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल यह होर्डिंग लखनऊ जिला पंचायत की अध्यक्ष माया यादव के पति विजय बहादुर यादव की तरफ से देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह व बीजेपी के कई नेताओं की फोटो लगाते हुए लगाई गई है। विजय यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। बीजेपी लखनऊ के जो जिलाध्यक्ष हैं रामनिवास यादव सहित कई लोगों ने लखनऊ जिला पंचायत के जो करोड़ों रुपए की विकास कार्य हुए हैं, विकास निधि थी उसके अंतर्गत जो काम हुए उसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाकर मुख्यमंत्री से जाँच कराने की बात कही गई थी। अब विजय यादव या माया यादव पर शिकंजा कसने वाला है। इस शिकंजे से बचने के लिए विजय यादव बीजेपी के प्रति अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, बीजेपी में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे में इन होर्डिंग्स के क्या मायने और संकेत हैं यह समझा जा सकता है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी लखनऊ।